नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। शत्रु, आपको हम बता दे कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत हमें कौन सी ऐसी कार्य हैं जिन्हें हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमें व्रत रखने से लाभ मिलता है, इस तरह हमें अगर हम उसमें कुछ गलतियाँ कर देती है तो हमें इससे उसका प्रायश्चित भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आपसे हम हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। और मित्रों, आपको हम बता दें कि अगर आप इस छोटी सी गलतियों को कर देते हैं तो आपको बहुत बड़ा हार जाना भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप ऐसी गलतियां भूल कर भी ना करें। चलिए माताएं एवं बहनों, हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें वट सावित्री व्रत की दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन ध्यान रहें इन बातों का, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में आ सकती है खटास। अखंड सौभाग्य का प्रतीक वट सावित्री का व्रत हिंदू सुहागिन महिलाओं के लिए बड़ा महत्व रखता है। कहते हैं इस दिन कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाए जाने वाली वट सावित्री का व्रत हिंदू सुहागिन महिलाओं के लिए बड़ा महत्व रखता है। कहते हैं कि वट सावित्री का व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है और व्रती महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में आइए जानें आपको इस दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इन चीजों को भूलकर भी नहीं करें। ज्योतिषों के अनुसार किसी भी पूजा पाठ में काले या नीले रंग के कपड़े पहनने की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस रंग के कपड़ों में पूजा करती हैं, तो आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। मुख्य रूप से वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए होता है, इसलिए इस दिन आपको सुहाग के रंगों के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आपको लाल या पीले रंग के वस्त्र पूजा के समय पहनने चाहिए। इससे आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर रहते हैं। कहते हैं अगर आप शादी के बाद पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रही हैं, तो सुहाग की सभी सामग्री मायके से ही लेनी चाहिए। इसके साथ ही कहते हैं कि पहला वट सावित्री का व्रत ससुराल की जगह मायके में करना चाहिए। यदि आप बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, उसमें कच्चा धागा बांधती हैं, तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी इसकी उल्टी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। यदि आप कई महिलाओं के साथ वट सावित्री की पूजा करती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस तरह से परिक्रमा करें कि किसी का पैर परिक्रमा के समय किसी दूसरे को न लगे। इससे परिक्रमा खंडित मानी जाती है। यदि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको वट सावित्री के दिन पूजन करना चाहिए, लेकिन बरगद की परिक्रमा करने से बचें। दरअसल प्रेगनेंसी में कोई भी परिक्रमा करने की मनाही होती है। आप प्रेगनेंसी में भले ही व्रत उपवास क्यों न कर रही हों, लेकिन परिक्रमा से जरूर बचें। इस दिन सुहागिन महिलाएं सफेद, नीले और काले रंग के कपड़े भूलकर भी न पहने। सुहाग की पूजा में इन रंगों का इस्तेमाल शुभ नहीं माना गया है। वट सावित्री के पावन तिथि पर आपको भूलकर भी किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन आप जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े से भी बचें और बड़ों का आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। लेखिका सीमा कुमारी, वट सावित्री व्रत के दिन जल में दूध मिलाकर बरगद को करें अर्पण। जानिए महत्व, हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को पूजनीय स्थान प्राप्त है। इसे बहुत ही पवित्र और दैव शक्ति से युक्त माना जाता है, इसलिए कई मौकों पर बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारे नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से कार्य बाधा समाप्त होती है। सनातन धर्म में वट सावित्री का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह की अमावस्या को पत्नी अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत करती है। जाने वट सावित्री के नियम। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से घर में खुशहाली आती है, साथ ही पति की उम्र लंबी होती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारे नियम बताए गए हैं।
ऐसे में आइए जानें इस दिन किए गए नियमों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ पर गाय का शुद्ध दूध जल में मिलाकर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि बरगद के पेड़ में भगवान विष्णु, शिव जी और ब्रह्म देव का वास होता है। ऐसे में अगर बरगद के पेड़ की पूजा विधि अनुसार की जाए तो जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, क्योंकि यह वृक्ष साक्षात ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इससे सकारात्मक शक्तियों का संचार होता है। ऐसे में कोशिश करें, अगर आप व्रत न भी कर रहे हैं तो आपको वट वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। परिवार के किसी सदस्य को बेवजह डर लगता है या फिर मानसिक तनाव रहता है तो बरगद के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय खत्म हो जाता है, साथ ही मानसिक तनाव से भी राहत मिलती है। ज्योतिष के अनुसार बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से बिजनेस में लाभ होने लगता है, साथ ही बिजनेस में अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बनते हैं। अगर आपके काम में कोई बाधा आ रही है तो रविवार के दिन बरगद के पेड़ का ये उपाय बहुत कारगर साबित हो सकता है। बरगद के पत्ते पर कोई अपनी मनोकामना लिखकर नदी में बहाने से मनोकामना जल्द पूरी होती है। लेखिका सीमा कुमारी, वट सावित्री व्रत में बरगद पेड़ की ही क्यों की जाती है पूजा? जानिए पौराणिक मान्यताएं। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और परिवार में सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं, साथ ही बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत को बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और परिवार में सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। इस दिन व्रती महिलाओं द्वारा बरगद के पेड़ की पूजा करने का भी विधान है। पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस वर्ष यह तिथि 6 जून 2024 को पड़ रही है। आइए जानें आखिर वट सावित्री व्रत के दिन क्यों की जाती है, बरगद पेड़ की पूजा क्यों करते हैं। बरगद पेड़ की पूजा धार्मिक मान्यता के अनुसार बरगद के पेड़ में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश का वास होता है। ऐसे में इस पेड़ की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि बरगद के पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है, इसलिए इसे अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है। ऐसे में विवाहित महिलाएं द्वारा इस वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। सुहागिन महिलाएं वट सावित्री के व्रत में वट वृक्ष का विधि विधान से पूजन करने के बाद उसकी 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत लपेटती हैं। 7 बार कच्चा सूत लपेटने का तात्पर्य है कि पति से उनका संबंध 7 जन्मों तक बना रहे। इसके अलावा वट वृक्ष में अनेकों औषधीय गुण मौजूद होते हैं और इसे ऑक्सीजन का खजाना माना जाता है। इसके पेड़ में निकलने वाली कोंपल को खाकर ही महिलाएं अपना व्रत पूर्ण करती हैं। इस कोंपल में एंटीऑक्सीडेंट के साथ ही गजब की इम्यूनिटी पावर होती है। कहा जाता है कि बरगद के वृक्ष की पूजा करने से संतान प्राप्ति में सहायता मिलती है। किंवदंतियों के अनुसार माता सावित्री की पूजा और निष्ठा को देखते हुए यमराज ने मृत पति परायणता को जीवनदान दिया था। तभी से यह मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से महिलाओं को पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही जीवन में आने वाली सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। लेखिका सीमा कुमारी, वट सावित्री व्रत की पूजा में इन 2 वस्तुओं का होना है अनिवार्य, अन्यथा व्रत है अधूरा। अखंड सौभाग्य का प्रतीक वट सावित्री का व्रत 6 जून 2024 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारी बातें बताई गई हैं, जिनका पालन बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अपनी पूजा थाली में 2 ऐसी चीजें हैं, उन्हें जरूर शामिल करना चाहिए। अखंड सौभाग्य का प्रतीक वट सावित्री का पावन
व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, सुखी दाम्पत्य जीवन और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखती है। इस साल यह व्रत 6 जून 2024 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। पूजा में शामिल करें ये दो चीजें। ऐसा कहा जाता है कि इस उपवास को रखने से परिवार के सदस्यों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन सुखमय बीतता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारी बातें बताई गई हैं, जिनका पालन बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अपनी पूजा थाली में दो ऐसी चीजें हैं, उन्हें जरूर शामिल करना चाहिए। तो ऐसे में आइए जानें इस बारे में। कच्चा सूत के बिना पूरी नहीं होती पूजा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन अपनी पूजा थाली में कच्चा सूत जरूर रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि कच्चा सूत यानी कच्चा धागा समृद्धि और शुभता का प्रतीक है, साथ ही इसके बिना पूजा पूर्ण भी नहीं मानी जाती है। ऐसे में अपनी पूजा सामग्री में इसे जरूर शामिल करें। बता दें, इसके उपयोग से जीवन में खुशहाली आती है। श्रृंगार का सामान है जरूरी। इस दिन जब पूजा करने जा रहे हैं तो आपको अपनी पूजा थाली में श्रृंगार का सामान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत पूर्ण रूप से महिलाओं के सुहाग से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि सुहागिनों को पहले खुद का 16 श्रृंगार करना चाहिए, इसके पश्चात अपनी पूजा थाली में 16 श्रृंगार का पूरा सामान रखना चाहिए, जिससे जीवन में शुभता और खुशहाली बनी रहे। लेखिका सीमा कुमार, इन ज्योतिषीय उपाय को अपनाएं आप। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत रखना चाहती हैं, वे उस दिन कुछ आसान ज्योतिष उपायों को करके दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बना सकती है। इसके साथ ही उनके पति की आयु भी लंबी हो सकती है। ऐसे में आइए जानें इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कलह है तो उसे दूर करने और खुशहाल बनाने के लिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। वहां पर घी का एक दीपक जलाए पति के साथ बरगद वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें। लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। आपसे संभव है तो यह उपाय प्रतिदिन भी कर सकती हैं। कहते हैं, हर व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि चाहता है। ऐसे में आप वट सावित्री के दिन पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए शनि मंत्र शन शनैश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। इससे शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। वट सावित्री व्रत वाले दिन आप देव वृक्ष कहे जाने वाले बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। वट वृक्ष की 7 या 11 बार परिक्रमा करते हुए उसमें कच्चा सूत लपेट दें। कच्चा सूत न मिले तो रक्षा सूत्र भी लपेट सकती हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक इस दिन आप धन की देवी मां लक्ष्मी को 11 कौड़ियां अर्पित करें, साथ ही इन पर हल्दी से तिलक लगाएं। अगले दिन इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान या तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है।